रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सैफई पहुंचा मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, दिखा जन सैलाब। रूस यूक्रेन युद्ध के विस्फोटक के जाने से चिंता बढ़ी, एमई ने कहा बातचीत से ही होगा समाधान। जेल से अस्पताल शिफ्ट किए गए जाएंगे अनिल देशमुख, स्पेशल कोर्ट ने दी इजाजत। सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, बेनामी लेन देन एक्ट के अंतर्गत सभी कार्यवाही बंद। कल मुंबई में बीसीसीआई की होने वाली अहम बैठक, हो सकते हैं बड़े फैसले। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से जनपद के सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव का गाजीपुर को सपा का गढ़ माना जाता है, जिसमें सबसे बड़ी दीन मुलायम सिंह यादव की ही रही। आज सपा कार्यालय पर शोक सभा कर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। सपा जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता शोक सभा में मौजूद रहे और वहीं सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुलायम सिंह हमारे संरक्षक थे और हम सबको उनकी जरूरत थी। हमें क्या, पूरे प्रदेश को उनकी जरूरत थी। माननीय नेताजी पार्टी के संरक्षक के इंतकाल के बाद समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता बहुत ही दुखी है। अभी नेताजी की हम सबको जरूरत थी, हमको ही नहीं तो प्रदेश को भी जरूरत थी, देश को भी जरूरत। नेताजी के इंतकाल से पूरा देश मर्माहत है और समाजवादी पार्टी नहीं, देखने में तो यह आ रहा है कि सभी पार्टी के लोग मर्माहत हैं। नेताजी व्यक्ति नहीं थे, विचार थे, एक अलग संस्था ही थी। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के बेहद ही करीबी माने जाने वाले वर्तमान में सैफई गांव के प्रधान केनते जी ने मौके पर आंसू छलकाए। आपको बता दें कि गरीब, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर हमेशा नेताजी ने उनकी मदद की। देश के पूर्व रक्षा मंत्री के करीब चार बार मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के चलते आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनते ही उनके गृह जनपद इटावा समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने मुलायम की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनकी तस्वीरें साझा की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 3 दिनों का शोक घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए मुलायम को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी अपने आगे अग्रसर होते हुए जनता की सेवा में हमेशा नेताजी ने कार्य किया है और अंतिम समय तक नेताजी की याद के लिए तो लोग रोते हैं और रोते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। नेताजी को याद को भुलाया नहीं जा सकता है। समाजवादी पार्टी के गठन से पहले और गठन के बाद तक नेताजी को जो सैफई, इटावा, आसपास, बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोगों ने देखा पिछले 40 सालों में, एक एक कार्यकर्ता को नेताजी नाम से पहचानते थे, चाहे किसी जात धर्म के व्यक्ति हों, किसी समाज के व्यक्ति हों। नेताजी से अच्छा आज तक गरीबों का और दलितों मजलूमों का मसीहा आज तक पैदा हुआ न हो, ये भविष्य में ऐसा नेता हो ही नहीं सकता है पैदा। माननीय नेताजी हमेशा गरीबों और दलितों की आवाज़ उठाने में आगे रहे और यहाँ इस समाज के लोग उन्हें नामबाज बुलाते थे। कभी छुआछूत नहीं मानी, कभी किसी तरह से कोई कमी नहीं रखी, सबको अपना भाई मानते थे, सबका सम्मान करते थे, सबकी बात सुनते थे और सबकी भलाई में कभी कोताही नहीं बरती। कभी उन्होंने किसी को ऊंच या नीच नहीं माना, सबको अपना भाई बहन के रूप में सम्मान दिया। इसलिए सारे लोग, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक, सारे लोग आपके मुरीद हो गए और हमेशा आपका साथ दिया। आपके सारे पर हम लोग मर मिटने को तैयार थे। आज हमारे भगवान श्री कृष्ण हम लोग इस बीच चले गए हैं।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संरक्षक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि नेताजी लंबे समय से किडनी यूरिन इन्फेक्शन जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबरें सुनते ही देश भर में एक शोक की लहर दौड़ गई। समाजवादी पार्टी पर ढेरों कार्यकर्ताओं की आंखों में अपने नेता के लिए आंसू थे। नेताजी का आज जाना हम सबके लिए बेहद दुखद है और नेताजी ने सभी देश प्रदेश के लिए बहुत ही नेक कार्य किए हैं और नेताजी आज हम सबके बीच नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका आंदोलन विचारधारा सदैव हम सबके बीच रहेगी। देश ने प्रदेश ने वो खोया है जो कभी वापस ना मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे हम, सिर्फ अपनी इतनी सी बात कहना चाहेंगे कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, आदरणीय नेताजी आप जैसे गए हो जाता नहीं है कोई। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। आदरणीय नेताजी की जो आज हम लोग को सुबह समाचार न्यूज मिला है, क्योंकि 3 दिन पहले हम लोग दिल्ली गए थे तो जो कुछ भैया के द्वारा हम लोग को जानकारी मिल रही थी बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन सुबह जब ये हमको जानकारी मिली है तो एक ऐसे शौक सा लगे। आदरणीय नेताजी का ऐसा व्यक्तित्व ही रहा है, ऐसे महान पुरुष का मैं यही कहूँगा कि ईगो युगान्तर में एक बार जन्म होता है। और हम लोग निश्चित तौर पर, बहुत सारे लोग इस बात किए होंगे, हम लोग के आज के कलयुग के भगवान थे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर देवरिया जनपद के मशहूर मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता कर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निवारण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने देश में मानसिक डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और समय समय पर जागरूकता अभियान जरूरी है। खबर गाजीपुर से है, जहां 22 से 29 अक्टूबर तक मलेशिया में होने वाली जोहर कप के लिए हॉकी जूनियर इंडिया टीम पुरुष की घोषणा की, जिसमें जनपद गाजीपुर के तहसील के करमपुर गांव के युवक उत्तम को टीम इंडिया की कमान सौंपी। उत्तम को कप्तान बनाए जाने का पता चलते ही करमपुर स्टेडियम में खुशियां मनाई गई। तो वहीं हॉकी स्टेडियम के प्रबंधक एवं पूर्व सांसद ने कहा कि उत्तम सिंह बहुमुखी प्रतिभा के खिलाड़ी हैं। उत्तम सिंह ने अपने करियर की शुरुआत मेघबरन सिंह हॉकी स्टेडियम करमपुर से की थी। तेज बहादुर सिंह की वजह से शुरू से ही भैया यहाँ पर साथ में खेलते थे, उन लोगों के साथ में हम लोग भी खेलते थे और उनका इतना लगन था यहाँ पर कि हॉकी इतना ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है। और जो भी बच्चा यहाँ पर खेलने के लिए गया है आज तक, सबको नौकरी मिली है जो जिस लायक रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई को कैप्टन चुना गया है भारत के लिए और देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अच्छा लग रहा है, हमारे ग्राउंड में, गांव में भी एक ऐसा माहौल बन चुका है जैसे कि सभी बच्चे निकल के इस स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं और एक अपना जुनून दिखा रहे हैं कि हमको भी उत्तम की तरह बनना है और हर चीज़ें उसके ही तरह करके लेके आना है। ग्राउंड पे सुबह भी बच्चे आज उतनी संख्या से अधिक संख्या में आए जितनी संख्या में रोज आते हैं। यहाँ के संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह का नाम लूँगा, जिन्होंने ये जगह का चुनाव किया और इस करमपुर गांव में उन्होंने जन्म लिया, जिनके पिता श्री मेघवरन सिंह जी थे, उन्हीं के नाम पर भैया ने ये ग्राउंड बनाया। और भैया की तपस्या है कि इस ग्राउंड को हमने सजाया और बच्चों को हमने इस ढंग से पाला और इनके अंदर ऐसा डिसिप्लिन पैदा किया कि बच्चे आज आपको पूरे भारतवर्ष में दिख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सेलेक्टर्स को कि उन्होंने उत्तम के ऊपर विश्वास जताया है। यह हम सब ईश्वर से दुआ भी करते हैं, फील्ड के सारे लड़के, कि उत्तम के नेतृत्व में इंडिया बेहतर करे। इंडिया अपनी पुरानी ध्यानचंद जी की जो हॉकी की थी उसकी, उस परंपरा की शुरुआत हो, इससे बड़ा विषय कुछ नहीं हो सकता। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां इस्लाम के पूर्व पर्व बरावात पर सिंदौली क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। इस दौरान शांति और सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस ने तैनात रही। जगह जगह पर लोगों ने फूल बरसाकर जुलूस का स्वागत किया। आपको बता दें कि सभी ने हाथ में झंडे ले रखे थे, वहीं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर जुलूस में हिस्सा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी गाँव में लगाई गई थी, जिसके बाद सीओ और एसएचओ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान खुफिया विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। एसएचओ ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस संपन्न हुआ। धर्मगुरुओं को पहले ही सभी गाइडलाइन से अवगत कराया गया था।
खबर कुशीनगर से है, जहां पर्यावरण सेवा संस्थान के स्थापना दिवस पर बुद्ध पीजी कॉलेज में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे ने शिविर का उद्घाटन कर फीता काट कर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए नियमित रक्तदान करना आवश्यक है। रक्तदान शिविर में कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारियों और अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। खबर अमेठी से है, जहां बराफात जुलूस के दौरान सरतन से जुदा के लगे नारे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की जांच में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए DIG रेंज अयोध्या के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर अमेठी से है, जहां नशेड़ी पति ने शराब के नशे में पत्नी को जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही दोनों अपने बेटों से मिलकर वापस आए हैं। साथ ही ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमको सुबह फोन यहाँ से गया तो पता लगा कि आपकी बुआ जी खत्म हो चुकी है। यहाँ आने के बाद ये पता लगा है सर कि मार डाले हैं सब लोगों को। तो पुलिस आई थी? जी जी, सब आए हुए थे। हम लोग आए तो प्रशासन यहाँ पहले से पहले थाना मुसाफिर खाना अंतर्गत ग्राम हरदोया में एक पद्मावासी राम मल्लभ द्वारा अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट कर ली, जिससे उसकी डेथ हो जाने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। बलरामपुर में गौरा थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव में तेज पानी के बहाव से 3 बच्चों की बहने की सूचना मिली। आपको बता दें कि इन दिनों राप्ती नदी का कहर जारी है। वहीं कोडरी घाट का संपर्क मार्ग टूटने से गांव में पानी घुस गया, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं जिलाधिकारी और SP कार्यालय में भी पानी भर गया। जनपद के 80% गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद प्रशासन ने जनपद में नावों की संख्या बढ़ाकर 155 कर दी। NDRF और SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। जिलाधिकारी, SP और DIG के द्वारा बाढ़ प्रभावित एरियाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां भारी बारिश के कारण जनपद के कई गांवों में लोगों के घर बरसात के पानी में ढह गए। वहीं जनपद के कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से घर मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग इस हादसे में घायल भी हो गए। बरसात के पानी से जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं कोर्ट, दफ्तर, स्कूलों में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बता दें कि बारिश होने के कारण किसानों की कई बीघा फसलें भी नष्ट हो गई हैं। बरसात में पानी से गिर गया, सामान वामान है तो कुछ दब दुब गया है, अब कुछ निकाल लीन है और रात भर बच्चा निकालते रहे हैं, लड़का बच्चा रहे हैं तो निकालते रहे हैं, बजे रहे हैं निकाल लीन है और बच्चे भी कुछ नाती वाती है तो बच गए नहीं तो दब जाते हो। वहाँ बहुत पानी भरा रहता है, कोई दिखाई नहीं सुनाई नहीं करता, समस्या होती है। समस्या बिल्कुल, समस्या आने जाने में हेल के आने पड़ता है, जाने भी पड़ता है। साफ भी आते जाते हैं तो उनको भी दिक्कत पड़ती है, हम तो ऐसा मजदूर आदमी हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या से निजात के लिए और सही इलाज के लिए लखनऊ में आज AC डायग्नोस्टिक की जरूरत है, जो सबको उन्नति तकनीकी के साथ अपर जांच परिणाम दे सके। इसी क्रम में आशियाना के सेक्टर के कोर डायग्नोस्टिक का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर कोर डायग्नोस्टिक के CEO ने बताया कि हमारा प्रयास भारत में सबसे उन्नत परीक्षण तकनीकों को अपनाना है और इसी लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए नई दिल्ली, बेंगलुरु, अब लखनऊ में सेटेलाइट लैब स्थापित की है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। कोर डायग्नोस्टिक के GM लेंस ने बताया कि 2012 में अपनी पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी और हमारी प्रयोगशाला में हुई जांचें NBL और कैंप से मान्यता प्राप्त है, जिनमें अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक, राज्य सरकारें और कई अन्य शामिल हैं। इस मौके पर कोर डायग्नोस्टिक के अन्य पदाधिकारी, AVP भी मौजूद रहे।
खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक का अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक पार्टी में हथियार लहराते दिख रहा है। वहीं पूरी घटना पर ग्रामीणों ने कहा कि युवक इलाके का माहौल खराब करने के प्रयास में था। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर सीतापुर से है, जहां फसल की रखवाली करने निकले युवक ने अज्ञात परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह खेतों पर निकली महिलाएं को फंदे पर लटकते हुए शव मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक के परिजनों ने किसी पर भी हत्या करने का आरोप नहीं लगाया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग की सूचना के बाद फरीदाबाद 2 नंबर से रसगुल्ले के वर्कशॉप पर छापेमारी कर सैंपल लिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि दुकानदार हीरालाल के पास लाइसेंस नहीं है, हम लोगों ने रसगुल्ले के सैंपल लिए, रिपोर्ट आने के बाद दुकानदार पर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई है। काम करने वाले जो मिलावट से काम करते हैं या ये उससे लापरवाही से काम करते हैं, तो इस वजह से कई बार माल जो होता है खराब होता है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती है, बहुत सी बीमारियां लग सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से ये छापेमारी का आप लोगों को ये काम करना पड़ता है। ये सूचना और CID विभाग की सूचना के आधार पर यहाँ N92 में 3 रसगुल्ले के गोदाम है, जहाँ पर हमने आज रेड करी है और तीनों में ही रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिले हैं हमें, जिनके सबके हमने सैंपल ले लिए हैं और अभी कार्रवाई चली रही है। 1-2 दुकानें अभी बाकी है जिस पर हमें कार्रवाई करनी है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक सराफा व्यापारी ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। युवक को खून से लथपथ देखकर परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घटना की जाँच में जुट गई है। क्या घटना क्या घट गई? किसी अज्ञात कारणों से कल रात को उसने अपनी सर्विस लाइसेंस के बोल रहा गोली मारी, जिससे उसकी मौत हुई। इसकी जानकारी सुबह करीब 9:30 बजे उसकी माता ने दरवाजा खोला और अपने बिस्तर में लटक पाए। जबकि हमीरपुर निवासी संजय सोनी पुत्र नंद किशोर सोनी उम्र करीब 32 वर्ष ने किसी अज्ञात कारणों से अपने ही लाइसेंसी पिस्टल से अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके से लाइसेंसी पिस्टल, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा विधिक कार्रवाई एवं जांच की जा रही है। खबर नोएडा से है, जहां कैंप टाउन सोसाइटी में मदर डेयरी बूथ संचालक ने सप्लायर से की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी डेयरी संचालक पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। श्रावस्ती में नेपाल के कुसुम नदी से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से भीषण बाढ़ की तबाही आ गई है। आपको बता दें कि 150 से अधिक ग्राम पंचायतों के गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और गांव में रहने वाले लोग अपने घरों की छत पर पिछले 5 दिनों से बैठे हैं और वहीं जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में देखते हैं सरकार बाढ़ पीड़ितों की क्या मदद करती है। सुल्तानपुर के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने नगर ठठेरी बाजार स्थित प्रथम दुर्गा के रथ को विसर्जन कर शोभा यात्रा में मां की चुनरी लहरा कर रवाना किया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने प्रथम दुर्गा की पूजा अर्चना और आरती की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में मां जयकारा लगाया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के पूजा प्रबंधक बाबा राधेश्याम सोनी पहुंचे। सुल्तानपुर की अनूठी दुर्गा पूजा शोभा यात्रा है, जो कि पूर्णिमा को चलती है और
अन्य जगहों से अलग एक रूटीन होता है और एक यहाँ की परंपरा है, उसी क्रम में इस बार मेला बड़े भव्यता से आयोजित हुआ है। उसके लिए अभी सकुशल हमारा ये विसर्जन कार्यक्रम हो, इसके लिए पूरे रूट पर दो शिफ्ट में हमारी मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस ऑफिसर्स की और सिपाहियों की ड्यूटी लगी है, क्योंकि ये लंबा कार्यक्रम चलता है। जैसे कि अपने यहाँ दसवीं के बाद ही दुर्गा पूजा मनाया जाता है, अपने सुल्तानपुर में दूसरे नंबर पे है कोलकाता के बाद, तो इसका जो विसर्जन है बहुत ऐतिहासिक ही रहता है। ये कम से कम नहीं 2 से 3 दिन तक यहाँ का विसर्जन होता ही रहता है और बहुत ही भव्य तरीके से, जैसे बेटी की विदाई करती है माँ बाप, वैसे ही यहाँ पर माता की विदाई किया जाता है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं पार्टी के संस्थापक सदस्य हरीश चंद्र प्रजापति ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत पर दुख प्रकट किया। उन्होंने बताया कि करीबन 33 वर्ष से नेता मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी में मैंने कार्य किया, उनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, वह पार्टी नहीं बल्कि सबके नेता थे। अलीगढ़ में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। तहसील इगलास इलाके के गांव विसाहुली में किसान हेमराज ने 30 बीघा जमीन पट्टे पर लेकर धान की फसल उगाई थी, जिसमें 25 बीघा धान की फसल को मजदूर लगवा कर कटवाया गया, लेकिन उसकी मेहनत पर आसमान से बरस रही बारिश ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। खेतों के अंदर धान की 25 बीघा फसल खेतों में बह गई। अमेठी के गायमऊ गांव में बराफत के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर पर आतिशबाजी करते हुए तोड़फोड़ की। वहीं इस आतिशबाजी के दौरान मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि आक्रोशित हुए ग्रामीणों और विशेष समुदाय के लोग आमने सामने हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस